ये माशाल्लाह से हमारी दाल जो है ना वो बहुत ही अलहदा अलहदा और बिल्कुल भी टूटी भी नहीं है और कच्ची भी नहीं है। तो आपको मैं ना ये प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। तो माशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलहदा अलहदा दाल और कच्ची भी नहीं है और टूटी भी नहीं है, जैसे कि वो मैश हो जाती है। हमारी दाल है ना बिल्कुल ढाबे की तरह है, एक एक दाल जो है ना वो लहदा लहदा है, जायका भी इसका बिल्कुल ढाबे की तरह ही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल माश की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाने के लिए तो सबसे पहले ये लहसुन चाहिए, 2 अदद प्याज चाहिए, अदरक का 1 टुकड़ा चाहिए। तो उसके साथ साथ हमें जो है ना 2 अदद टमाटर चाहिए, और साथ ही हमें सब्ज़ धनिया चाहिए, और उसके साथ ही हमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें चाहिए। माश की दाल को हम सबसे पहले अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। ये जो है तो ये दाल को अच्छी तरह से साफ कर लिया मैंने, तो अब इसको धो लेंगे। दाल को हम 3 से 4 मरतबा धो के ना 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। तो ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाने के लिए मैंने ये दाल तो भिगो के रख दी है, तो उसके साथ साथ सारी चीज़ें भी जो है ना वो बना ली है। हमें ये 2 अदद टमाटर चाहिए कटे हुए, और इसके साथ हमें 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें चाहिए, और इसके साथ ये 2 अदद प्याज चॉप कर लिए मैंने, और इसके साथ अदरक और लहसुन भी है ना मैंने कूट लिया, और इसके साथ ये मसाले चाहिए, गरम मसाला चाहिए, कूटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और लाल मिर्च पाउडर, और इसके साथ ये धनिया भी मैंने अच्छी तरह से धो के काट लिया। ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाने के लिए 2.5 से 3 चम्मच लिए ऑयल के। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे, तो हल्का सा इनको हम फ्राई कर लेंगे बस। तो ये प्याज जो है ना हल्के से हमारे फ्राई हो गए, तो अब जो है ना हम इसमें अदरक और लहसुन डाल देंगे। अदरक और लहसुन डाल के भी हम इनको हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। प्याज अदरक और लहसुन जो है ना हमारा हल्का सा गोल्डन हो गया, तो अब हम इसमें ये सब्ज़ मिर्च और टमाटर डाल देंगे, तो साथ इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तो साथ ही हम इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। तो सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि टमाटर भी जो है ना हमारे अच्छी तरह से गल जाए। तो साथ ही हम इसमें हसबे दाई का नमक डाल देंगे। माशाल्लाह से अभी से इसकी जो है ना खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सारा मसाला जो है ना हमारा अच्छी तरह से भून गया, तो अब जो है ना हम इसमें ये दाल डाल देंगे। सारी दाल मैंने डाल दी है, तो अब हम इसको दाल को अच्छी तरह से भून लेंगे। माश की दाल जो है ना हमारी अच्छी तरह से भून गई है, और घी भी जो है ना इसका बाहर आ गया। तो अब जो है ना मैं इसमें पानी डालूंगी। हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि हमने इसको ढाबा स्टाइल में बनाना है। मैं हम इतना पानी डालेंगे कि ये गल जाए। तकरीबन हम इसमें ये वाले चम्मच जो है ना 3 से 4 चम्मच हम ये वाले डाल देंगे। पानी जो है ना मैंने डाल दिया और अच्छी तरह से मिक्स भी कर दिया। तो अब हम इसमें जो धनिया ना आधा धनिया जो है ना अभी डाल देंगे, आधा धनिया हम इसको रख देंगे, हम इसके ऊपर से डालेंगे। तो धनिया डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मैंने, तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी। तकरीबन जो है ना हमारी दाल 5 से 10 मिनट में पक जाएगी। तो तकरीबन जो है ना हमारी माश की दाल पक गई है, लेकिन अभी ना इसके ऊपर घी नहीं आया। तो अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च डाल के हम इसको दोबारा से ढक देंगे, आँच जो है ना बिल्कुल ऐसा कर देंगे, बिल्कुल दम वाली आँच पे इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, इससे इसका घी ऊपर आ जाएगा। तो 5 मिनट हो गया हमने दाल को दम पे रखा हुआ है, तो माशाल्लाह से हमारा घी जो है ना वो ऊपर आ गया।
हमारी शक्ल से तो बहुत अच्छी लग रही है, तो माशाल्लाह से खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसके ऊपर जो हम बाकी के धनिया थी वो भी डाल देंगे। तो ये धनिया मैंने डाल दिया और जो दाल है ना हमारी बिल्कुल भी नहीं टूटी, दाल ना कच्ची और ना ही ज़्यादा गली हुई है। तो बस सिलेंडर जो है ना हम बंद कर देते हैं। तो बस तो ये माशाल्लाह से हमारी दाल जो है ना बहुत ही अलहदा और बिल्कुल भी टूटी भी नहीं है और कच्ची भी नहीं है। तो आपको मैं ना ये प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलहदा दाल और कच्ची भी नहीं है और टूटी भी नहीं है, जैसे कि वो मैश हो जाती है। इसी के साथ ही फिर अपनी आज की वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो माशाल्लाह से हमारी दाल है ना बिल्कुल ढाबे की तरह है, एक एक दाल जो है ना वो लहदा लहदा है, मज़ाइका भी इसका बिल्कुल ढाबे की तरह ही है।